उत्तर पूर्वी दिल्ली के घूंडा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 231 की भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने जब से पदभार संभाला है तभी से वे क्षेत्र की जनता के मानव कल्याण के लिए जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही हैं। पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने आधार कार्ड कैंप, हाउस टैक्स कैंप की सुविधा, सफाई व्यवस्था आदि योजनाओं को लाकर वार्ड की जनता को सुविधा प्रदान की है। इसी कड़ी में निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने अपने कार्यालय पर बुजुर्गों की सुविधा के लिए आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर व थायराइड कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में भारी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने अपनी जांच कराई और निःशुल्क चश्मे भी इन लोगों को वितरण किए गए। कैंप में खुद पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने अपनी आँखों की जाँच कराई और क्षेत्र की जनता के लिए तमाम योजनाएं लाने का भरोसा दिया, जिन योजनाओं का क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। जांच कराने आए क्षेत्र के लोगों और पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता का क्या कुछ कहना था, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सर, हमने ये क्षेत्रवासियों के लिए ये कैंप का आयोजन किया है कि हमने देखा कि यहाँ पर क्षेत्रवासी कह रहे थे कि पीजीजी ये यहाँ पर कैंप लगाना है। मैं कोई बात नहीं सुनू कि मैं कि हम कैंप लगा दे, इस आदर्श में क्षेत्रवासियों को देखते हुए इस मोतियाबिंद ब्लड प्रेशर शुगर इनका हमने कैंप लगवा दिया है। आज सर वैसे तो मान लो हमने यहाँ पर चश्मे का बिजनेस भी रखा है, हमने 150 करीब चश्मे मंगाए, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा संख्या जा सकती है। तो हम मान के चलो आज 250 से मतलब 300 तक की संख्या, जो हमने कह दिया कि कल परसों में आना कि संख्या यहाँ बढ़ती ही जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज का कैंप है, हो सकता है कि हम एक हफ्ते बाद फिर कैंप लगवा दें, जिससे जो रह गया है वो हम उनको बुला लेंगे। देखो, आज बहुत सारे लोगों की आंखों की जो समस्या होती है, क्योंकि आजकल हम जब से मोबाइल या टेलीविजन ज्यादा देखते हैं तो आंखें ज्यादा खराब हो रही है और हर उम्र में खराब हो रही है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों या महिलाएं हों बुजुर्ग हों। तो ये निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है, बहुत अच्छे डॉक्टर सचिन ने प्रोवाइड किया अपने पूरी टीम के साथ, और यहाँ पे निःशुल्क आंखों की जांच भी हो रही है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो बहुत ज्यादा महंगा होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवेट में इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। साथ में आज चश्मे बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं, तो हमें लगता है मानवता के लिए बड़ा अच्छा कदम है। और निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी अच्छे काम कर रहे हैं, लोग इसे रेखांकित भी कर रहे हैं। हमें लगता है ऐसे कैंप हमेशा आयोजित होने चाहिए जिससे स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो। देखिए, मैं हूँ डॉक्टर अफसाना रहमान। जो ये आंखों का कैंप है, एक्चुअली जो रूरल एरियाज होते हैं ना, वहाँ मोतियाबिंद का इतना ज्यादा होता नहीं है, लोगों को समझ नहीं होती है और पका लेते हैं पूरी तरह, तब जाके ऑपरेशन करवाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये अवेयरनेस के लिए हमने ये कैंप लगाया है ताकि जगह जगह लोगों को पता चले कि हाँ उनकी आंखों में मोतियाबिंद है, तो वो सही से इलाज करवा सकते हैं। हमारी जो सेंटर है शशिकांत आई जो सेंटर है, इसका मतलब क्या है कि आंखों के प्रति जो अवेयरनेस है, प्रोग्राम है, लोगों को जैसे भी आंखों की समस्याएं हैं, काला मोतिया, सफेद मोतिया, आंखों की अन्य समस्याएं, ये सब है। तो जो गरीब तबका का लोग है ना, हर आदमी नर्सिंग होम में या बड़े हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता, इसलिए हम हर एरिया में निगम पार्षद पूरी नहीं है उनके एरिया में कैंप करवाते हैं कि बेचारे वो लोग वहाँ तक ना पहुँच सके, सब कम हमारे सेंटर पहुँच जाए और ज़्यादातर फायदा हो रहा है। हम लोग जो है हमारा सेंटर है 6,000 रुपये में मोतियाबिंद को ऑपरेशन कर रहा है, और हमारा जो है दूरबीन की पद्धति सिस्टम सारा है, और 6,000 में भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, करीब 5,500 रुपये में सारा, यानी आपका सारा ऑपरेशन, उसमें लेंस, दवाइयाँ, वो सब उसी में। और जो हमारा आज का कैंप है उसका ध्येय है, क्या कैंप में हम शुगर, थायराइड ये टेस्ट कर देंगे फ्री में। इसके अलावा लोगों को जो जरूरतमंद है, जो चश्मा नहीं बना सकते, उसको हम चश्मा वितरण भी दे रहे हैं उसके करने के लिए। तो हमारा तो यही है इसका, हमारे जो शशिकांता है जो टेस्ट है, क्या कि जो गरीब आदमी है ना, इस सबका है, तो हर आदमी इसका फायदा उठाएगा इस चीज़ के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, क्योंकि आपको उसमें तकलीफ भी हो सकती है। हमारे निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी की तरफ से जो ये कैंप लगाया गया है आँखों का, शुगर का और थायराइड का, लगभग यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 150 से 200 आदमी आए हुए हैं, और प्रीति गुप्ता जी की तरफ से जो ये कार्यक्रम किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। और अपने क्षेत्र के अंदर निजक
और लीडर होकर के लोग बाग यहाँ आ रहे हैं और अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, सबका जो है टेस्ट करवा रहे हैं। जिनको आंखों में दिक्कत है उनका ऑपरेशन मात्र 6,000 रुपए में, जो कि मेरे ख्याल से शायद दिल्ली के अंदर इतने में कहीं पर नहीं होगा, वो उन्होंने जो है 6,000 रुपए रखा, जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। घर के नजदीक बिल्कुल जड़ में ही जो है हमारे क्षेत्र के अंदर ही है। हमें मुश्किल से 10 मिनट लगे पैदल आने में यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के बच्चों के जो है चश्मे भी जो है फ्री दिए जा रहे हैं, और लेडीज को और बुजुर्गों को बैठने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इनकी तरफ से की गई है। तो हम अपने क्षेत्र के निगम पार्षद श्रीमती प्रीति गुप्ता जी का आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। वो ऐसे कार्य जो करती रहती हैं। अभी पीछे उन्होंने अपने क्षेत्र में जो है आधार कार्ड का वो कैंप रखा था, अभी पीछे हाउस टेस्ट का कैंप रखा था। तो हम तो यही दुआ देंगे परमात्मा उनको बनाए रखे और उनको स्वस्थ रखे, और जैसा उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ है वो मुस्कुराते रहे। धन्यवाद साथियों। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।